सो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर जज्जी एफएफ। इट्स अ बॉय जज्जी बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइज, लेट मी गेस, या तो आप लोगों का अकाउंट सस्पेंड हुआ है या फिर आप लोगों का अकाउंट बैन हुआ है, इसलिए आप लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है। तो यार, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्री फायर के सस्पेंडेड एंड बैंड अकाउंट्स के बारे में, कि अगर आप लोगों का अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं या फिर बैन हो चुका है तो अनसस्पेंड किस तरह से होगा या फिर अनबैन किस तरह से होगा, आया वो अनसस्पेंड हो भी सकता है या फिर नहीं, अनबैन हो भी सकता है या नहीं। तो इसका एक सिंपल सा सलूशन है कि भाई, आपके अकाउंट को जो कुछ मर्जी हुआ है, डोंट वरी, आपका अकाउंट हो जाएगा अनसस्पेंड। और उसके लिए आप लोगों की, हम लोगों से चाहिए आपके अकाउंट की UID, और उसके साथ साथ आप लोगों को चाहिए भाई यहाँ पर थोड़ा बहुत कैश। अब आप लोगों को कितना कैश चाहिए, ये वीडियो आप लोगों ने स्टार्ट से लेकर के एंड तक लाजमी देखनी है। और जिस भाई ने अपना अकाउंट अनसस्पेंड करवाना है फिर अनबैन करवाना है, मैं अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप लोगों को मेरा नंबर मिल जाएगा, आप लोगों ने मेरे से करना है कॉन्टैक्ट। सो गाइस, यहाँ पर आप लोगों का अकाउंट अनसस्पेंड या फिर अनबैन कितनी देर में होगा, आप लोगों का अकाउंट यहाँ पर अनसस्पेंड या फिर अनबैन होगा सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के अंदर। यहाँ पर हम लोग को अनसस्पेंड कौन करके देगी भाई, यहाँ पर हम लोग को अनसस्पेंड करके देगी फ्री फायर। और फ्री फायर भी यहाँ पर हम लोग को डायरेक्टली अनबैन या फिर अनसस्पेंड नहीं करके देगी, हम लोगों को अनबैन या फिर अनसस्पेंड करके देंगे यहाँ पर फ्री फायर के ऑफिशियल मॉडरेटर्स। तो यार, वो लोग चार्ज करते हैं यहाँ पर फीस हमारे, माशाल्लाह से हमारे जो मॉडरेटर्स हैं यहाँ पर फुल टाइम यहाँ पर अपनी जेब भरने की करें अपनी यहाँ पर अपनी जेब वजनी करने का भी यहाँ पर उन्होंने नई स्कीम निकाली है, कि यहाँ पर जिन बेचारों के अकाउंट सस्पेंड है या फिर बैंड है उनसे यहाँ पर लेते हैं फीस। फीस मिनिमम इनकी वही स्टार्ट होती है 25K से और मैक्सिमम इनकी जाती है 35,000 से 40,000 तक। यहाँ पर अगर आपके अकाउंट में Season 1-2 है तो भाई यहाँ पर आप लोग टोटली लग चुके हैं, क्योंकि आप लोगों का ये अकाउंट यहाँ पर कम अज़ कम 35 से 40,000 में अनसस्पेंड होगा। और अगर आपके अकाउंट में Season 1-2 नहीं है, उसके अलावा आप लोगों का अकाउंट जैसा मर्जी है, हम लोगों को कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर यह है फ्री फायर की पाकिस्तान कम्युनिटी, यहाँ पर हम लोग को ज़रा परवाह नहीं, ज़रा आप लोगों का पैसा हराम के हम लोगों को टके की भी भाई परवाह नहीं, कि आप लोगों के अकाउंट यहाँ पर 1,000 रुपये के या फिर आप लोगों का अकाउंट यहाँ पर 1,00,000 रुपये के, हम लोग आप लोगों से चार्ज करेंगे मिनिमम 25K अगर आपके अकाउंट में Season 1-2 नहीं है। तो अगर आपके अकाउंट में Season 1-2 है तो यहाँ पर हम लोग आप लोगों से चार्ज करेंगे 35 से 40,000 रुपये। तेरा आप लोग कह रहे हो कि ये बंदा बस मुंह उठा करके बकवास करी जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर अनसस्पेंड करवा रहे हैं फ्री फायर के मॉडरेटर से और ये तो बला बला। तो यार, मैं बगैर किसी प्रूफ के यहाँ पर बकने नहीं लगा हुआ, मेरे पास यहाँ पर टोटल प्रूफ पड़े हुए हैं, आप लोग पहले प्रूफ देख लें, उसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे बाकी की बात। ठीक है, हाल है, ठीक ठाक है। अच्छा, सीन यूँ है कि मुझे ना 25K में ओपन करके देता मॉडरेटर, ठीक है, बाकी जितने भी डीलर। सो भाई, कुछ इस तरह के सीन्स चल रहे हैं हमारे यहाँ पर फ्री फायर की कम्युनिटी में। यहाँ पर मॉडरेटर्स हमारी हैवी किस्म की छिल उतार रहे हैं, उनको नहीं परवाह कि अगले बंदे का अकाउंट कैसा है कैसा नहीं भाई, उनको मिनिमम और मैक्सिमम उन्होंने भाई अपने यहाँ पर रेट्स फिक्स कर दिए हैं। और आप लोग आओ यहाँ पर अकाउंट से अनसस्पेंड करवाओ और उनकी जेब में यहाँ पर 25, 30, 35, 40, 40,000 रुपया भरो। तो यार, यहाँ पर फ्री फायर ने अगर इनको मॉडरेटर बनाया तो फ्री फायर को चाहिए कि इनके ऊपर नज़र भी रखें कि ये लोग अगर अकाउंट अनसस्पेंड करें तो उसकी वजह क्या है, यहाँ पर इनसे पूछताछ की जाए। और अगर यहाँ पर फ्री फायर पूछताछ करती है या फिर फ्री फायर ने इनको खुद अलाउ किया हुआ कि अगर कोई बंदा आपके पास अकाउंट अनसस्पेंड करवाने आता है तो आप यहाँ पर उसका अकाउंट अनसस्पेंड कर सकते हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ग्रीना ने इनको कहा होगा कि भाई यहाँ पर आप लोग जो है 25, 25, 30, 35, 40,000 फिर आप 50,000 रुपया फिर आप जितने भी चार्ज करते हो भाई, आप यहाँ से कोई भी उनसे पैसा चार्ज करो, ठीक है। तो यहाँ पर भाई इनको चाहिए कि अगर इनको फ्री फायर ने ऑथराइज किया हुआ है, फ्री फायर ने इनको ये चीज़ अलाउ की हुई है कि आप लोग अकाउंट अनसस्पेंड कर सकते हो, तो इनको चाहिए पहली बात तो यहाँ पर अकाउंट करिए फ्री में अनसस्पेंड, ठीक है। अगर इनको अपनी जेब भरनी है तो हम लोग को उससे भी कोई मसला नहीं, आप लोग 100 बिस्मिल्लाह अपनी भाई जेब भरो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अकाउंट है जो सस्पेंड पड़े हुए हैं और बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो आगे इन फ्यूचर सस्पेंड होने वाले हैं, और आजकल भी बहुत सारे लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। हमारे मनु गेमिंग के यहाँ पर लाइव दौरान लाइव स्ट्रीम यार यहाँ पर अकाउंट अनसस्पेंड हो गया था, फिर सॉरी सस्पेंड। बताने का मकसद ये कि अगर आप लोगों को फ्री फायर ने ये चीज़ अलाउ की हुई, अगर कोई मॉडरेटर मेरी वीडियो देख रहा है तो ये अगर आप लोगों को चीज़ फ्री फायर ने अलाउ की हुई है, तो यार आप लोगों से काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेशक आप लोग फील हो, आप लोगों का हक बनता है, अगर आप लोग अपनी जेब भरना चाहते हो हम लोगों को कोई इशू नहीं, आप लोग भरो, पर यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग अपनी फी में थोड़ी कमी करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह के जिनका अकाउंट 15-15, 20-20 हज़ार का अकाउंट है और सस्पेंड पड़ा हुआ है, और वो लोग इस बात से सस्पेंड नहीं करवा सकते सिर्फ और सिर्फ कि भाई यहाँ पर फ़ी बहुत ज़्यादा लग रही है इनकी, यहाँ पर 25-25 हज़ार मिनिमम फीस है भाई, इससे नीचे कोई भी बंदा आपको जो है यहाँ पर अनसस्पेंड करके देगा ही नहीं, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिए।
सो गाइस यहाँ पर फ्री फायर को अपनी इस चीज़ पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उसने किसी को ये अथॉरिटी दी है, चीज़ अलाउ किया कि वो अकाउंट अनसस्पेंड कर सकते हैं, तो उनको चाहिए कि उस बंदे में नज़र भी रखें कि बंदा आखिर क्या कर रहा है। वो अपनी इस अथॉरिटी, अपने इस अगर एलोकेशन जो भी उसे मिली है इसका, भाई वो किस तरह से इसका यूज़ करे, वो गलत इस्तेमाल करे। यार ये फ्री फायर की गलती, आप कहो कि हम लोग कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर फ्री फायर की गलती है। मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ कि हम लोग को जस्ट रिपोर्ट्स करने की ज़रूरत है, हम लोग को हमारे मॉडरेटर्स के खिलाफ रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, हम लोग को इवन गरीना के खिलाफ भी रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। मैं आप लोग को गरीना के खिलाफ नहीं कर रहा, मैं जैसे आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग की एक एक अगर हम लोग जाकर एक एक रिपोर्ट भी कर देते हैं भाई यहाँ पर गरीना के फेसबुक पेज पर, ये चीज़ कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर फ्री फायर को दोबारा से बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर फ्री फायर को तो भाई यहाँ पर ख्वाब नहीं आना किसी को भी, यहाँ पर हमारे मॉडरेटर्स क्या करें क्या नहीं करें। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग यहाँ पर इवन हम लोग कम से कम एक एक रिपोर्ट जाके फ्री फायर को करें कि अगर जाहिर बात है भाई यहाँ पर फ्री फायर विदाउट एलोकेशन ऑफ फ्री फायर ये लोग अकाउंट को अनसस्पेंड नहीं कर सकते। जाहिर बात है इनको फ्री फायर ने अलाउ किया हुआ है, तो तभी ये लोग फ्री फायर के अकाउंट जो इनको अनसस्पेंड कर पाते हैं। यहाँ पर हम लोग को जाकर के ग्रीना को सिर्फ रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है। मॉडरेटर मेरी वीडियो देख रहे हो तो यार मेरी आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि अपनी जो फीसेज है आप लोग इनको थोड़ा बहुत लो लेके आओ, ताकि यहाँ पर मोस्टली बंदे जो है हमारे फ्री फायर के, मैं नहीं कहता कि आप लोग यहाँ पर फीसेस को हज़ार रुपये कर दो, 1500 कर दो, 2000 कर दो, आप लोग कम से कम अगर आप लोगों ने फीसेस करनी भी है तो आप लोग 5000 कर दो, 10000 तक कर दो, ताकि यहाँ पर कम से कम जिस बंदे का अकाउंट 25 से 30 हज़ार का है वो भी अपना अकाउंट यहाँ पर अनसस्पेंड करके कुछ ना कुछ हासिल कर सके। इस आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो फ्री फायर गेम है ये हम लोग दोबारा से बैलेंस कर सकें और दोबारा से हमारी जो गेम है यहाँ पर फेयर हो सके। और ये अगर हम लोग मिलकर एक साथ कोई स्टेप लेंगे तो भाई ये तभी पॉसिबल है, वरना मेरे अकेले के बोलने से या फिर वीडियोज़ अपलोड करने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर बस आप लोग आओगे, देखोगे, लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दोगे, इससे ज़्यादा यहाँ पर इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप लोग मेरे साथ मिल करके यहाँ पर कोई हम लोग स्टेप नहीं लेते, स्टेप हम लोगों ने क्या लेना है, जस्ट जाकर के तो फ्री फायर से रिक्वेस्ट करनी है कि यहाँ पर गेम को अगेन बैलेंस किया जाए, क्योंकि गेम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो चुकी है, ताकि हम लोग अपनी गेम प्ले को पहले की तरह, जिस तरह हम पहले फ्री फायर को इन्जॉय करते थे, वैसे अगेन इन्जॉय कर सकें। तो आप सो क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी और आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ क्या नहीं कहना चाहता। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।